एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं एमएस सर आपका हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका है आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। अब आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9 के कुछ बचे हुए प्रश्न थे, उसको सॉल्व करने के लिए मैं आया हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। चलिए, आपके सीने में आग लगे, आप पढ़ने के लिए उतावले हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराने में भी आप सहयोग करें। इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात मतलब क्या होता है सर? जिस बहुपद, जैसे मान लीजिए एक बहुपद हो गया 4x, इसके ऊपर पावर के रूप में कितना लिखा हुआ है, जितना पावर के रूप में लिखा हुआ रहता है उसको घात कहते हैं। यही घात आपको ढूंढना है, बहुपदों की घात बताइए। तो यहाँ डायरेक्ट हल लिखिए, दिए गए बहुपद का घात, घात यहाँ दो घात है, एक 3 भी है और एक 2 भी है, इसमें सबसे बड़ा जो होता है उसको लिखते हैं घात बराबर 3 आंसर। यहाँ भी पावर के रूप में 2 है तो लिखेंगे बहुपद के घात क्या होगा, पावर के रूप में 2 तो आएगा आंसर 2। अब यहाँ इस अगला क्वेश्चन है 5t-√7, तो t के ऊपर पावर है, इसका आंसर होगा अतः घात बराबर 1। यहाँ चौथा नंबर प्रश्न है 3, इसके ऊपर कोई घात नहीं पता चल रहा है, इसे लिखेंगे अतः घात बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी प्रश्न है। ये सारे प्रश्न इजी तो दिख रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएंगे। आपको पता है कि अभी जो ट्रेडिशन चला है वह 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, तो ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है कि आपको फोकस रखना है, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 4 का सूत्र साफ हो गया, 5 की ओर चलते हैं। बोलते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती। अब इन शब्दों को पहले आपको समझना होगा कि रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है और त्रिघाती क्या है। छाटना है यहाँ सारे प्रश्न को, आज मैं लेके आया हूँ, सारे प्रश्न का समाधान बताऊंगा। रैखिक वह होता है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होता, मतलब 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, उसको रैखिक बोलते हैं। जिस बहुपद के ऊपर पावर के रूप में घात के रूप में 2 रहेगा उसे द्विघाती कहते हैं। जिस बहुपद के ऊपर पावर के रूप में 3 रहेगा उसे त्रिघाती कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है x² + x, तो घात के रूप में क्या है 2, आंसर होगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद है ये। दूसरा का आंसर x का पावर क्यूब है, इसमें पावर के रूप में क्या है 3, इसका आंसर हो जाएगा त्रिघाती। फिर यहाँ है थर्ड नंबर y + y² + 4, यहाँ घात के रूप में कितना है, घात के रूप में सबसे बड़ा घात कौन है 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा। अगला प्रश्न 1 + x लिखा हुआ है, सर क्या करें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, अरे टेंशन ना लो, इसके ऊपर ना 2 है ना 3 है, तो ये क्या कर दो, इसको लिख दो रैखिक, हो गया बन गया। समस्या का समाधान निकालना ही सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ भी 3t है, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं दिख रहा है, इसको भी लिख दीजिए रैखिक। सिक्स नंबर में 8² है, इसका आंसर क्या होगा द्विघाती। 7x³ है, तो इसका इस बहुपद का पावर 3 है, तो
ये क्या हो जाएगा त्रिघाती। एक्चुअली में अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख देगा रैखिक, यहाँ लिख दिया रैखिक, हल या हल कर दिया या उत्तर में लिख दिया रैखिक। अब यहाँ जो जो है कौन कौन है भाई, एक रैखिक में 4 है 5 है, यह लिखा मिलेगा आपको 4 और 5। फिर द्विघाती, द्विघाती कौन कौन है, द्विघाती देखिए यहाँ से है 1 लिखते जाइए 1 इधर 3 और 6 ऐसे करके आपका आंसर में मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन लिख करके वहां भी लिख सकते हैं कि ये रैखिक है, ये द्विघाती है और त्रिघाती, जो बच गया सारे त्रिघाती है वहां लिखा हुआ है आंसर में आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 का अंतिम प्रश्न था, मैंने इसको सॉल्व करा दिया। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद।